इसके बाद आता है जी ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास क्या है, हमें समटाइम डेटा सेट को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास रैंडम नंबर्स हैं 2, 3, 1, 5, 4, और अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा आपका 5, 4, P, 2, 1। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम ASC यूज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम DESC यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनको डेटा को सॉर्ट करने के लिए ये जो ऑर्डर बाय क्लास है वो यूज होता है। टू सॉर्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के टेबल से डेटा जो है हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे और ऑर्डर बाय करेंगे सिटी असेंडिंग के हवाले से। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेने कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल, और टेबल से जो आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आप उन कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो आपका डेटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आपने डेटा जो है वो स्टूडेंट का सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे ऑर्डर बाय सिटी को आपने ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो एग्जीक्यूट करने पे मुझे डेटा जो है वो सिटी में अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, जो अल्फाबेट है उनके हवाले से आपका डेटा जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं मार्क्स को, मार्क्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में करें तो मार्क्स के हवाले से इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मार्क्स के हवाले से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे सिटी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। इस तरीके से आप डिफरेंट स्कीमा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय क्लॉज के जरिए से अरेंज कर सकते हैं।